शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। हिंगोली पुलिस ने हिंगोली शहर में नोट छापने वाली एक टोली का पर्दाफाश किया है। इस टोली के पास से 17 लाख रुपए के नकली करेंसी नोट सहित देवी की 16 मूर्तियां भी जब्त की गई हैं। साथ ही इस मामले में एक महिला व एक पुरुष को गिरफ्तार करने के साथ उनके पास से नोटों की छपाई हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले एक प्रिंटर व अन्य छपाई साहित्य को बरामद किया गया है। इस टोली को पकड़ने हेतु हिंगोली के जिला पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार के मार्गदर्शन में विगत 3-4 दिनों से आरोपियों के खिलाफ ट्रैप लगाते हुए कार्रवाई की जा रही थी और पूरी जानकारी के पुख्ता होने के बाद आनंद नगर क्षेत्र निवासी अरुण हनवते नामक व्यक्ति के घर में किराए से रहने वाले संतोष जगदेवराव सूर्यवंशी व छाया गुलाबराव भुगतार के यहाँ छापा मारा गया, जहाँ से बड़े पैमाने पर 100, 200 व 500 सहित 2000 रुपये मूल्य वाली नकली नोटें एवं छपाई सहित बरामद किया गया। इन फर्जी नोटों का मूल्य 17,47,350 रुपये आंका गया है। साथ ही यहां से 20,000 रुपये मूल्य की असली नोटें भी बरामद की गई है। इसके अलावा इस टोली के सदस्यों द्वारा लोगों को अपने पास देवी महालक्ष्मी की सोने से निर्मित पुरातनकालीन मूर्तियां रहने का झांसा दिया जाता था और यह मूर्तियां गुप्त धन में मिली रहने का झांसा देते हुए इन्हें ऊंची कीमतों पर बेचा जाता था। हिंगोली में नकली नोटों की छपाई करते हुए इन नोटों को चलन में लाने वाले और नकली सोने की मूर्तियां बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश होते ही पूरे परिसर में जबरदस्त सनसनी व्याप्त है। वहीं दूसरी ओर हिंगोली ग्रामीण पुलिस थाने द्वारा दोनों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेते हुए इनके अन्य साथियों की तलाश शुरू कर दी गई है। विगत लंबे समय से अचलपुर पालिका प्रशासन तथा चंद्रभागा प्रकल्प अधिकारियों के बीच आपसी सामंजस्य व नियोजन का अभाव रहने के चलते अचलपुर व परतवाड़ा वासियों को विगत अनेक समय से जबरदस्त जल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम से पानी को लेकर शुरू हुई जुड़वा शहर वासियों की भटकंती बारिश के मौसम में भी जारी है। साथ ही पूरे संकेत है कि आने वाले वक्त में भी जुड़वा शहर वासियों को पानी की जबरदस्त किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले को लेकर स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा आवाज उठाए जाने पर एक जांच समिति का गठन किया गया था। साथ ही इस जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में पालिका प्रशासन की कई गलतियों पर आक्षेप उठाया है। बता दें कि जुड़वा शहर को जलापूर्ति करने हेतु चंद्रभागा नदी पर बनाई गई जलापूर्ति योजना के ऑटोमाइजेशन का प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन विगत 10 वर्षों से यह काम पूरा ही नहीं हो पाया है। वहीं इन 10 वर्षों के दौरान इस योजना के नाम पर 100 करोड़ से अधिक रुपयों की राशि खर्च हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद परतवाड़ा व अचलपुर शहर में पानी की समस्या बदस्तूर बनी हुई है और स्थानीय प्रशासन इस समस्या को लेकर कतई गंभीर नहीं है, ऐसा जुड़वा शहरवासियों का आरोप है। वर्ष 2006 की बैच के IPS अधिकारी चंद्रकिशोर मीणा को अमरावती पुलिस परिक्षेत्र का विशेष पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही अब तक अमरावती रेंज के विशेष पुलिस महानिरीक्षक रहे डॉक्टर मकरंद रानड़े का यहां से अन्यत्र तबादला किया गया है। IPS अधिकारी चंद्रकिशोर मीणा इससे पहले विदर्भ सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में बेहद महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के इतिहास में पहली बार डॉक्टर आरती सिंह के रूप में कोई महिला पुलिस अधिकारी शहर पुलिस आयुक्त बनने जा रही है। गत रोज ही राज्य सरकार द्वारा राज्य के 45 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया गया, जिसमें अमरावती शहर पुलिस आयुक्त के पद पर संजय बाविस्कर के स्थान पर डॉक्टर आरती सिंह को भेजे जाने का आदेश जारी हुआ। डॉक्टर आरती सिंह इस समय नासिक के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात थीं और संभवतः आगामी 1-2 दिन में वे अमरावती पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी ले लेंगी। मूलतः उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से वास्ता रखने वाली डॉक्टर आरती सिंह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MBBS की टॉपर रहीं और वर्ष 2006 में दूसरे प्रयास के तहत UPSC की परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए वे IPS अधिकारी बनी। उन्हें पहली पोस्टिंग ही गढ़चिरौली जिले के भामरागढ़ क्षेत्र में मिली थी और उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शानदार काम किया। पेशे से डॉक्टर रहने वाली डॉक्टर आरती सिंह पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सजग रहती हैं। साथ ही महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए वे काफ़ी गंभीर हैं। इसके अलावा उन्हें जुर्म की दुनिया के खिलाफ बेहद कठोर पुलिस अधिकारी के तौर पर जाना जाता है। 13 वर्ष पूर्व एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी तथा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के हैंडलर के बीच होने वाली बातचीत को टेप करते हुए समूचे क्रिकेट जगत में हड़कंप मचा देने वाले नागपुर के तत्कालीन पुलिस उपायुक्त अमितेश कुमार अब 13 वर्ष बाद एक बार फिर नागपुर लौट रहे हैं और वे शुक्रवार को नागपुर पुलिस आयुक्त पद की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। याद रहे कि इससे पहले वर्ष 2005 से वर्ष 2007 तक अमितेश कुमार 2 वर्षों तक नागपुर में बतौर पुलिस उपायुक्त पदस्थ थे। उसी दौरान नागपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय मैच थी जिसके लिए वेस्टइंडीज़ की टीम नागपुर के होटल प्राइड में रुकी हुई थी। यहां होटल प्राइड के लैंडलाइन नंबर पर वेस्टइंडीज़ के हरफन मौला खिलाड़ी मार्लोन सैमुअल के लिए बार बार फ़ोन आ रहे थे। इस बात का पता चलते ही तत्कालीन पुलिस उपायुक्त अमितेश कुमार ने अपना पूरा ध्यान इस मामले की ओर केंद्रित किया और उनकी समय सूचकता के चलते दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को झटका देने वाली जानकारी उजागर हुई।
उस समय अंडरवर्ल्ड डॉन व अंतर्राष्ट्रीय अपराधी दाऊद इब्राहिम के क्रिकेट सट्टे का व्यवसाय संभालने वाला मुकेश कोचर नामक व्यक्ति मैच फिक्सिंग के लिए दुबई से बार बार संपर्क कर रहा था। यह बात ध्यान में आने पर अमितेश कुमार ने संभाषण को टेप करते हुए समूचे क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी, जिसके बाद देश विदेश की जांच एजेंसियों ने इस मामले में ध्यान दिया और नागपुर पुलिस द्वारा की गई जांच के आधार पर ICC ने मार्लोन सैमुअल के क्रिकेट खेलने पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया था। अमितेश कुमार के दोबारा नागपुर लौटने की खबर मिलते ही नागपुर शहरवासियों में जबरदस्त हर्ष व उल्लास की लहर देखी जा रही है। समाज क्रांति आघाड़ी के अध्यक्ष प्राध्यापक मुकिंद्र खैरे ने यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा है कि हाल ही में वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अम्बेडकर ने अकोला के श्री राजराजेश्वर मंदिर को आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खुलवाया और पंढरपुर में विट्ठल मंदिर को खुलवाने हेतु आंदोलन किया। इसी तरह बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश में परशुराम की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। इस जरिए प्रकाश अंबेडकर व मायावती ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति को नुकसान पहुंचाने के साथ ही धम्म क्रांति के समय ली गई 22 प्रतिज्ञाओं का उल्लंघन किया है। मुकुंद खैरे ने कहा कि प्रकाश अम्बेडकर व मायावती की राजनीति अब भाजपा के हिंदुत्व की ओर बढ़ रही है, ऐसे में बाबा साहब पर श्रद्धा रखने वाले बौद्ध लोगों ने इस तरह के नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है। घटनेप्रमाणे कोणत्याही राजकीय पक्षाला धार्मिक मुद्द्यावर आंदोलन करता येत नाही हे बाबासाहेबांनी सांगितलं आणि बाबासाहेबांच्या घराण्यामधला एक बाबासाहेबांचा नातू बाबासाहेबांच्या विचार तत्वाला जर नाकारत असेल आता समाजाने आता डोळा झाला पाहिजे आणि अशा नेतृत्वाला समाजाने आता तळी बाहेर केलं। समीपच चिखलदरा तहसील के बामादेवी गाव के पास जंगल में कोयलारी निवासी सुखदेव काजदेकर अपने मवेशियों को चराने के लिए घने जंगल में गया हुआ था, जहां पर झाड़ियों में दुबक कर बैठे 3 भालुओं ने अचानक सुखदेव काजदेकर पर हमला बोल दिया। इस हमले में सुखदेव बुरी तरह से घायल हुआ है और उसे चुड़नी के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसे 90 टाके लगाने पड़े हैं। ऐसी जानकारी चुड़नी ग्रामीण अस्पताल के स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर ध्रुवे द्वारा दी गई है। प्रतिवर्ष बारिश के मौसम में चिखलदरा की प्राकृतिक वादियां सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, मगर इस बार कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए पिछले 5 माह से यहां का पर्यटन बंद पड़ा है, जिसे 2 सितंबर से आम पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया। ऐसे में अब यहां धीरे धीरे पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है और पर्यटकों के आगमन के कारण यहाँ के छोटे बड़े व्यवसायियों ने राहत की सांस ली है। बीते मंगलवार की रात 10 बजे वलगांव के भीमनगर परिसर में पुरानी रंजिश को लेकर चचेरे भाई समेत 8 लोगों ने मिलकर गोवर्धन कटक तलवारे की बेरहमी से हत्या कर डाली थी। इस मामले में पुलिस ने चचेरे भाई नितिन कटक तलवारे को घटना वाली रात में ही गिरफ्तार किया था। साथ ही कल देर रात शेष 7 आरोपियों में से संदीप प्रभाकर सोनोने, अरविंद सूर्यभान पलसपगार व राहुल दुर्योधन नामक 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। ये तीनों आरोपी कठोरा नाका परिसर से फरार होने की फिराक में थे, जिन्हें मौके पर दबोच लिया गया। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर इनका 5 सितंबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड हासिल किया है। वहीं इस मामले में अन्य 4 आरोपियों की तलाश जारी है। समीपस्थ चांदूर बाजार में एक युवक ने अपनी जान की परवाह न करते हुए गौवंश को रेलगाड़ी के सामने से भगाकर जीवनदान दिया और इस चक्कर में वह खुद बुरी तरह से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक बडनेरा से चांदूर बाजार नरखेड़ रेल मार्ग पर खराला खरवाड़ी गांव के निवासी चेतन दामोदर शिंगाड़े ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सामने से तेजी से आ रही रेलगाड़ी के सामने से गाय को हटाकर उसके प्राण बचाए, जबकि इस चक्कर में वह बुरी तरह से घायल हो गया। पश्चात उसे अमरावती के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। इस समय अमरावती शहर से जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने एक बार फिर जबरदस्त गति पकड़ ली है। गुरुवार की दोपहर तक कोरोना के 86 नए संक्रमित मरीज पाए गए और जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6202 पर जा पहुंची है, जिसमें से गत रोज तक 136 संक्रमितों की मौत हो चुकी थी। वहीं अब तक 4586 मरीजों को कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज मिल चुका है। इस समय 1141 कोरोना संक्रमित मरीजों का एक्टिव पॉजिटिव के तौर पर कोविड अस्पतालों में इलाज जारी है। गुरुवार को कोरोना संक्रमित पाए गए 86 मरीजों में 4 अल्पवयीन बच्चे व बच्चियों के साथ 49 पुरुषों व 33 महिलाओं का समावेश रहा और अधिकांश मरीज अमरावती के शहरी इलाकों से ही पाए गए हैं। यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय कि गत रोज एक ही दिन के दौरान रिकॉर्ड 218 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए थे। यह एक दिन के दौरान पाए गए मरीजों की अब तक की सर्वाधिक संख्या है। वहीं गत रोज इलाज के दौरान बडनेरा परिसर निवासी 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। इसके साथ ही अमरावती में कोरोना संक्रमण की वजह से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 136 पर जा पहुंचा है। अमरावती शहर व जिले से समूचे संभाग में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही। यवतमाल में बुधवार को 48 घंटों के दौरान कोरोना के 202 संक्रमित पाए गए और 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं वाशिम में 62 संक्रमित मरीज मिलने की जानकारी मिली है। हालांकि संभाग में नए मरीजों की संख्या के साथ ही विभिन्न जिलों से ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज प्राप्त करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। समीपस्थ मुंडवाड़ा गाँव में एक बंदर के पिल्ले के सिर में स्टील का लोटा फंस गया था। उस बंदर की माँ अपने बच्चे को उसी हालत में लेकर इधर उधर घूम रही थी। इस बात की जानकारी मिलते ही नांदगांव खंडेश्वर की रेस्क्यू टीम, वन कर्मचारी तथा पशु स्वास्थ्य अधिकारी ने गांव में पहुंचकर बड़ी चालाकी के साथ उस बंदर को पकड़ने की कोशिश की और बंदर के बच्चे के सिर से स्टील का लोटा निकालकर उस बंदर को नया जीवन दान दिया।
शहर पुलिस मुख्यालय में कार्यरत पुलिस कर्मचारी गोपाल इंगले को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। यह हादसा आज शाम 5 बजे करीब बडनेरा स्थित साई होटल के सामने नाकाबंदी पॉइंट पर हुआ। इस हादसे में पुलिस कर्मचारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार बताया गया है। अचलपुर शहर के दिलदारपुरा में आज दोपहर के समय अचलपुर पुलिस ने कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 6 जुआरियों को पुलिस ने धर दबोचा व आरोपियों के पास से 32,000 का माल जब्त किया। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।